हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष दुमन सिंह किरमच ने कहा कि गांव ईश्वरगढ़ में जीटी रोड से सिर्फ 200 मीटर दूर स्थित पुरातन बावड़ी को एक धरोहर के रूप में विकसित करने का काम किया जाएगा। इस बावड़ी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए इसका जीर्णोद्धार करने का काम भी किया जाएगा। सरस्वती नदी के क्षेत्र में स्थित इस बावड़ी का अपना एक अलग ही इतिहास है। दुमन सिंह किरमच बीते शाम गांव ईश्वरगढ़ में स्थित पुरातन बावड़ी का निरीक्षण करने के उपरांत बातचीत कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने गांव के पूर्व सरपंच गुरमीत सिंह के साथ बावड़ी का बारीकी से निरीक्षण किया और इसके बारे में प्रचलित किंवदंती को लेकर चर्चा भी की। दुमन सिंह किरमच ने कहा कि बावड़ी का बहुत पुराना प्राचीन इतिहास है। वे ग्रंथों में प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार ये बावड़ी करीब 500 साल पुरानी है। इस बावड़ी को लक्खी राय बंजारा की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि व्यापार के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाते समय लक्खी राय बंजारा सरस्वती नदी के इस क्षेत्र में रुका करता था। इस दौरान ही लक्खी राय बंजारा द्वारा ही बावड़ी का निर्माण किया गया था। प्राचीन काल में सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र बहुत विशाल था, इसीलिए लक्खी राय बंजारा द्वारा सरस्वती नदी के तट पर इस बावड़ी का निर्माण किया गया। इस बावड़ी की प्राचीन ईंटों और बनावट को देखकर भी इसके काफी पुरानी बावड़ी होने के प्रमाण मिलते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का निरंतर प्रयास है कि सभी ऐतिहासिक और प्राचीन तीर्थों और स्थानों को एक धरोहर के रूप में विकसित किया जाए और इसके लिए सरकार अपने इसी विजन को लेकर कार्य कर रही है। जहां सरस्वती नदी को फिर से धरातल पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं सरस्वती नदी के तट पर स्थित प्राचीन घाटों के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र में पड़ने वाले सभी प्राचीन स्थानों को भी धरोहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्राचीन बावड़ी को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर काम किया जाएगा ताकि हरियाणा की प्राचीन विरासत से पर्यटकों को आत्मसात होने का मौका मिल सके। गांव के पूर्व सरपंच गुरमीत सिंह ने कहा कि गुरु तेग बहादुर के सिर को जब कलम कर दिया गया था तो लक्खी राय बंजारा ने ही अपने घर को आग लगाकर गुरु तेग बहादुर के शरीर का अंतिम संस्कार किया था। इसी लक्खी राय बंजारा द्वारा इस बावड़ी का निर्माण किया गया था। उन्होंने उपाध्यक्ष दुमन सिंह किरमच और सरकार से मांग की कि इस उपेक्षित लक्खी राय बंजारा की बावड़ी को विकसित किया जाए। इस बावड़ी के साथ ही पंचायत की जमीन है। पंचायत की इस जमीन पर सरकार पार्क आदि बनाकर इस स्थान का सौंदर्यीकरण करे। इसके लिए पंचायत द्वारा जमीन देने के लिए प्रस्ताव भी पारित करने का वादा किया है। इसके साथ साथ ये स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग जीटी रोड से सिर्फ 200 मीटर दूर है। इसके लिए जीटी रोड से सीधा रास्ता भी निकाला जाए। और ये कम से कम 300 साल पुरानी है, ऐतिहासिक है। लक्खी बंजारे में ये सरस्वती की प्राचीन बनाई थी। ये लक्खी बंजारा वो आदमी है जिसने जिस टाइम गुरु तेग बहादुर ने शहीदी दी थी ना वहाँ दिल्ली के अंदर, तो ये लक्खी बंजारे ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश तो चला गया था नंदगढ़ का। और इस आदमी ने अपने घर में गुरु तेग बहादुर जी की जो बाकी बची बॉडी थी उसका संस्कार अपने कोठी में आग लगा कर दिया था। और अब वहाँ दिल्ली के अंदर गुरुद्वारा ने वहाँ लक्खी बंजारे के हाल बनवाए हुए हैं। और इसके अलावा जो भी है कहीं कहीं ने बनाई है। ये अपना पानी खोज था, अपने आप पानी पी रहा था और अपने साथ गया और पशु रख रहा था। ये बहुत पुरानी ऐतिहासिक है। कई आदमी आए यहाँ से, एक अखबार में भी कटवाई लेकिन कुछ नहीं। यहाँ से पंचायत की जमीन भी है, अगर पार्क बनाना चाहते हैं कोई और चीज़ बनाना चाहते हैं तो यहाँ सब कुछ। ये आज हम ईश्वरगढ़ गांव में हैं। ये सरपंच साहब ने और पुराने सरपंच गुरमीत सिंह जी ने ये जो लक्की बंजारा की ये जो बावड़ी आज हमें दिखाई है, ऐसा माना जाता है ग्रंथों में भी और जो विद्वंती यहाँ की है कि ये जो बावड़ी है ये लक्की बंजारा ने खुद बनाई थी सरस्वती के किनारे पर, क्योंकि सरस्वती यहाँ से बहती थी। जब लक्की बंजारा यहाँ से घूमता हुआ आया तो उसने यहाँ पर सरस्वती के किनारे पर इस बावड़ी को बनाया। और बहुत प्राचीन, आप देखें कितने प्राचीन ईंटें सरपंच साहब ने मुझे दिखाई। तो इसको हम एक धरोहर के रूप में हम सरकार जो है इसको डेवलप करेगी और सरस्वती के किनारे पर ये विराजमान है तो इसलिए इसको बहुत अच्छा एक हमारा धरोहर के नाते हम इसको डेवलप करेंगे। और जीटी रोड यहाँ से 200 मीटर दूर है। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई चेयरमैन दुमन सिंह किरमच का जो यहाँ पर ऐतिहासिक बावड़ी ईश्वरगढ़ में पहुँचे और इनके दर्शन किए। मैं पहले भी डिमांड करता रहा हूँ हरियाणा सरकार से कि यहाँ पर कोई ग्रांट दी जाए और इसका जीर्णोद्धार किया जाए, क्योंकि यह सरस्वती नदी के पास में बनाई गई है। क्योंकि उस टाइम सरस्वती नदी कलकल कर अपने व्यापक रूप में बहती थी, उसी के कारण यहाँ पर बावड़ी बनाई गई
ऐतिहासिक बावड़ी जो कि लक्ष्मी बंजारे द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि उस टाइम वाटर लेवल ऊपर था और कभी नीचे चला जाता, उसी के हिसाब से सरस्वती के किनारे पर ऐतिहासिक बावड़ी सगड़ में बनाई गई। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ भाई चौधरी धूमन सिंह किरमच, वाइस चेयरमैन सरस्वती बोर्ड का, कि वो यहाँ आए और इतना अपना बिजी टाइम में से टाइम निकाल कर हमें दिया और इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं आने वाले टाइम में इसको बावड़ी को विकसित करूंगा और सरस्वती के साथ साथ बावड़ी का भी जीर्णोद्धार करूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। खबर नामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।